हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे, सोचा आज आप लोगों के साथ बातें कर लूँ। तो फ्रेंड, हम लोग दिल्ली वापस आ चुके हैं और घर की हालत इतनी ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो साफ़ सफाई में ही थोड़ा सा टाइम लग गया था और जस्ट एक दिन बाद मेरे बैक में पेन स्टार्ट हो गया था। तो बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब कि मुझे उठने में और बैठने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अभी मैंने मेडिसिन ली है, तो पहले से थोड़ा सा ठीक है। तो अभी भी मैंने मेडिसिन ली है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बातें कर पा रही हूँ। मैंने सोचा चलो, कई लोग पूछ रहे थे कि आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ बातें कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने होम टाउन गई हुई थी। जैसा कि आप लोग को पता है, लॉकडाउन लगा था, तो मैं नेक्स्ट डे ही होम टाउन के लिए निकल चुकी थी। और वहाँ जाने के जस्ट एक दिन बाद ही मुझे फीवर हो गया था। तो दो दिन मुझे भी फीवर रहा, जस्ट दो दिन बाद मेरे हस्बैंड को हो गया। तो उन्हें 10 से 12 दिन लगे ठीक होने में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर घर में थोड़ी सी भी किसी की आजकल तबीयत ख़राब हो जाती है तो कितना टेंशन हो जाता है। तो बस इसीलिए मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी। उसके बाद मैं चली गई थी अपने ससुराल, तो वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, मतलब कि नेटवर्क बहुत कम रहता है, कोई भी वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं, और मैंने बस छोटे छोटे शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसे आप लोगों ने देखा भी है। और कई लोग मुझे बोल रहे थे कि आप हमारी वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि मैं अपने होम टाउन भी थी, तो मैंने सबके वीडियो वॉच किए हैं, बस मैंने कमेंट नहीं किया है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, मुझे वीडियो वॉच करने में भी बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि नेटवर्क इतना स्लो था कि नेट चल ही नहीं रहा था। तो आप लोग टेंशन ना लें, मैं सबके वीडियो वॉच करती हूँ, और कमेंट ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, वॉच करना ज़्यादा मायने रखता है। और मैं आज स्पेशली इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। कल मैं एक दी का चैनल है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है, मैं उसी टॉपिक पर बात कर रही हूँ। उनका कहना था कि उनके चैनल पर भी सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। तो फ्रेंड, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, मेरे साथ भी है। अभी थोड़ा कम है, पहले थोड़ा ज़्यादा थी। मतलब ये होता था कि 10 से 12 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और 20 से 25 कम हो जा रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं, आपको सब्सक्राइब करते हैं, जस्ट एक दिन बाद अन कर देते हैं, या आपने उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो तब भी अन कर देते हैं। मतलब पेशेंस कहते हैं ना, कि पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम किसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हो सकता है वो भूल गया हो हमें सब्सक्राइब करना या हमारे चैनल पर आना, तो हमें एक से दो दिन वेट कर लेना चाहिए। और अगर वो नहीं भी करता है तो उसको अन करके क्या फ़ायदा है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे तो नहीं लग रहे हैं। तो सिंपल है, ये सोच लीजिए कि हमने उसकी हेल्प कर दी। तो अगर आप रेगुलर उनकी वीडियो वॉच करेंगे तो वो एक दिन आपको सब्सक्राइब कर ही देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अन कर देते हैं। तो पहले पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शुरू में मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर एक एक दिन में बढ़े कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और फिर सडनली बिल्कुल कम होने लगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि इनमें लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर अगर सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब बहुत सारे ख्याल आते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है, जितना हम सोचेंगे उतना हम अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे। तो सिंपल सा फंडा है मेरा कि लाइफ में जो चीज़ आपके पास रह जाती है सोचो वो हमारी है, और जो चीज़ चले जाती है सोचो वो कभी हमारी थी ही नहीं। तो यहाँ भी वही अप्लाई कीजिए, जो लोग रह जाते हैं वो रियल फ्रेंड हैं, और जो चले जाते हैं वो फेक फ्रेंड हैं। फेक फ्रेंड आते हैं, आपके चैनल को वॉच करते हैं, एक दो दिन कमेंट करते हैं, उसके बाद वो आपको अन कर देते हैं। तो उनके लिए अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग आगे जाएं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक दो लोगों के नहीं चाहने से हम आगे नहीं जाएंगे। देखो, जिसे भी आगे जाना होता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, और जिसे नहीं जाना होता है आगे उसको आप कितना भी सपोर्ट कर लो वो नहीं जाएगा, क्योंकि मेहनत हमें करनी है। तो सिंपल है कि हमें डेली ब्लॉगिंग करनी है, डेली वीडियो अपलोड करने हैं, ताकि नए नए फ्रेंड बने। और जो रियल फ्रेंड है वो हमेशा आपकी वीडियो में आएंगे, आप नोटिस करना। अगर आप लोग वीडियो नहीं डालेंगे तो वो आपसे इंस्टा में पूछेंगे कि आप अपनी वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो मुझे भी यूट्यूब से बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड मिले हैं, जिन वो काफ़ी अच्छे हैं। मैंने इतने दिन वीडियो नहीं डाली थी तो उन लोगों ने मुझे पूछा कि सब कुछ ठीक है, घर पे ठीक है, आप लोग की तबीयत ठीक है, आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
कि चलो मतलब कि अगर हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो कोई तो है जिसे फ़र्क पड़ता है, तो बस हमें उन्हीं कुछ लोगों के लिए डेली व्लॉगिंग करनी है। धीरे धीरे अच्छे फ्रेंड बनते चले जाते हैं। फ्रेंड कहते हैं ना कि अगर आप भीड़ में चलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भीड़ में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो हमेशा भीड़ के विपरीत चलिए ताकि आप स्पेशली अलग से दिखाई दें। तो बस मैं तो हमेशा यही करती हूँ, भीड़ से हटकर चलिए ताकि हर किसी को आप दिखाई दें, और अच्छे अच्छे वीडियोस डालिए ताकि हम सब देखें। या मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लाऊं, बट अभी इस टाइम थोड़ा सा आपको पता है मार्केट वगैरह बंद है और कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, तो हम कोई मैं जैसे है कि कोई भी DIY शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो आपको सामान चाहिए होता है। तो इस वक्त तो वैसे ही इतना ज़्यादा डर मन में है कि मतलब मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट नहीं जाए हुए, मतलब मैं तो मार्केट जाती ही नहीं हूँ। पिछले ईयर भी ऐसा ही था, मैं 8 मंथ तक मार्केट नहीं गई थी बिल्कुल भी। 8 मंथ बाद मैं मार्केट गई थी, क्योंकि घर पे जब छोटा बच्चा होता है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। तो बस मेरी भी बेटी है तो मैं सोचती हूँ कि जितना हम बाहर अवॉइड कर सकें उतना बेहतर है। तो फ्रेंड बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग नहीं आ रहे हैं या अन हो रहे हैं तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे फ्रेंड जो भी आपके हैं वो सब आपकी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरे भी जो अच्छे फ्रेंड हैं वो लोग वॉच कर रहे हैं। मैं जब नहीं डालती हूँ वीडियोस तो वो लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं डालनी है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड मुझे यहाँ से मिले हैं, क्योंकि मैं हर किसी का नाम तो नहीं ले पाऊँगी क्योंकि इतने सारे फ्रेंड हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रहें और मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि मैं किस तरह की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं। और फ्रेंड बस आज का टॉपिक ही छोटा सा था, तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय एंड टेक केयर।